जब तक सूरज चांद रहेगा बाड़ा प्रताप, भारत चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। आज राजकीय महाविद्यालय अजमेर में महाराणा प्रताप की 469वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी स्टाफ, छात्रों और बाहर से आए हुए सभी लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनकी दी गई जो अनुकरणीय बातें हैं उनको आगे चलने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सभी छात्रों ने, संकाय सदस्यों ने यह प्रण लिया कि महाराणा प्रताप ने देश की रक्षा के लिए जैसे संघर्ष किया है, वह हम लोग भी संघर्ष जारी रखें और देश भावना के हित में काम करें। आज हम लोगों ने 479वीं जयंती महाराणा प्रताप की यहाँ राजकीय महाविद्यालय का जो प्रांगण, जो अपने आप में एक सौहार्द बरसता है इस प्रांगण में, जहाँ पर महाराणा प्रताप की इतनी प्यारी मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति पर हमने आज माला पहना करके उनकी जयंती मनाई है। साथ हमारे सम्मान्य प्राचार्य एम एल अग्रवाल जी, सम्मान्य हमारे शिक्षक, प्रोफेसर, छात्र, सब लोगों ने यहाँ पर आकर के उनकी जयंती को मनाया है। और मेरा इस जयंती के माध्यम से छात्रों को और युवाओं को एक यही संदेश है देना चाहता हूँ कि जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने कभी अपने जीवन काल में कभी हार नहीं मानी, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जिन संघर्ष में उन्होंने अपने जंगल में दिन बिताए, जिन संघर्षों के दिन उन्होंने खाना नहीं होने के बावजूद उन्होंने घास की रोटियां खा करके अपने जीवन लीला चली, लेकिन उन्होंने किसी के आगे घुटने और सर नहीं झुकाया। तो मेरा भी युवाओं और छात्रों को यही कहना है कि कभी किसी के आगे झुकना नहीं है, टिकना नहीं है, सिर्फ अपने संघर्ष को, अगर संघर्ष से जो आदमी आगे बढ़ेगा, जिसको जिसने मेहनत की है, जो घुटने नहीं टेकेगा, वो आदमी आगे जाता है, वो कभी हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए। तो मेरा युवाओं को एक यही संदेश है कि महाराणा प्रताप के कदमों पर चल करके अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं और इसी को लेकर के आज साहब जयंती को मना करके आज हमने यहाँ खुशी जाहिर की। मैं सुनील लारा, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस।